आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं भुवनेश्वरी, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। छपरा सड़क पर परिवहन नियमों को अनदेखा करना पड़ सकता है महंगा। वाहन चलाते समय हेलमेट के अंदर मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर होगा भारी जुर्माना। वहीं आज छपरा के परिवहन विभाग के मोटरयान निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन लोगों को हर हाल में करना होगा। अब क्योंकि ट्रैफिक की लापरवाही से हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। वहीं एमबीआई ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने से रोकें। अक्सर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ऑटो, रिक्शा, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं, जिन पर अब सख्ती से विभाग के द्वारा कार्यवाही की जाएगी, जिसकी मास्टर प्लानिंग कर ली गई है। चुनाव खत्म होते ही सड़क सेफ्टी पर परिवहन विभाग की रहेगी पैनी नजर। यहां तक कि अब शहरों के अलावा देहाती क्षेत्रों में भी होगी सघन जांच प्रक्रिया। बताते चले कि शहर में लगेरिया कट बाइक चलाने वालों के अब खैर नहीं है, पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ हो सकती है जेल। इसीलिए वाहन चलाते समय रफ्तार का ध्यान रखना होगा। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। चुनाव के बाद हम लोग रोड सेफ्टी के ऊपर ही ज़्यादा काम करेंगे। जैसे हम लोग अगले जो लाइन के तहत जो बच्चे लोग गाड़ी चला रहे हैं उस पर ध्यान दें, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। और उसके बाद मोबाइल यूज कर रहे हैं गाड़ी चलाते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट और सीट बेल्ट तो पहले से ही हम लोग करते आए हैं और वो तो चलता ही रहेगा। और अपना दायरा हम लोग अब शहरी क्षेत्र से बढ़ाकर अब ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत ज्यादा जो कि बहुत ज्यादा उन पे हम लोग को सख्ती से पेश आना है। और जो लाइन लोग ही ज्यादा बच्चे लोग जो हैं जिनका 18 साल से कम उम्र के बच्चे लोग हैं सब कर रहे हैं, तो उनको हम लोग पकड़ के पनिशमेंट करके उनके गार्जियन को, हमारा नया एक्ट आ चुका है, नया एक्ट में उनको 25,000 जुर्माना, जिनके नाम पर निबंधित वाहन है उनके गार्जियन को 3 साल की जेल। ट्रैक्टर चालक भी अंडर एज है उनको पकड़कर लोग कार्रवाई करेंगे। जो लाइन कितने का राजस्व का वसूली हुआ हो पाया होगा अंदाज? लगभग 30,000 जुर्माना वसूला गया हमारे द्वारा। कितना सर? 30,47,000 चुनाव के दौरान, जिसमें हैवी गाड़ी है और हैवी गाड़ी है, मोटरसाइकिल वगैरह भी हैं, और जो ट्रेपासर्स हैं छोटी गाड़ियां वो भी करवाई जारी रहेगी। और मेन हमारा टारगेट रहेगा कि रोड सेफ्टी, जान माल की सुरक्षा कैसे की जाएगी। मास्टर प्लान है, जुर्माना तो एक काम है, पब्लिक को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। जब तक पब्लिक लोग हमारे साथ नहीं रहे, जो गोल्डन आवर एक्सीडेंट होने की स्थिति में भी पब्लिक छोड़ के ना जाए उनको। आप सारण की जनता से क्या अपील करेंगे? बच्चे लोग को गाड़ी ना दें, जब तक लाइसेंस ठोकर 18 साल उम्र ना हो बच्चों को गाड़ी ना दें, तो आपको जुर्माना और जेल जाने तक के लोग कर सकते हैं।